और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मायावती के द्वारा बनाया गोवा एकमात्र हाथी पार्क है अभी फिलहाल। ये देखिए मायावती जी के हाथी पार्क में, बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, विशालकाय हाथी की प्रतिमाएं। हेलो गाइज, आपका हमारे प्यारे से ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अम्बेडकर पार्क आ गए हैं गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 95 में, और आपको आज बहुत ही खूबसूरत अच्छी जगह बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर जगह मायावती जी का हाथी पार्क, वर्ल्ड फेमस है, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो गाइस ये टिकट काउंटर है, 15 रुपये का टिकट है, यहाँ पर पर्सन 15 रुपये टिकट है, देख लीजिए आप सब। वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स गेट नंबर 5 है यहाँ पे, इसके आगे एंट्री करेंगे हम। इसके दोस्तों देख लीजिए, ये एंट्री कर रहे हैं हम दोस्तों के साथ में। हम पार्क के अंदर आ गए हैं, तो गाइस आज आपको फुल टूर कराएंगे, तो आप देखिए फ्रेंड्स। तो गाइस ये रहे मायावती के हाथी, तो आप फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट कपल्स फैमिली आते हैं घूमने के लिए, और काफ़ी बड़ा पार्क है फ्रेंड्स। हम भी इसमें पहली बार आए हैं तो आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे साथ में फ्रेंड्स हैं, देख लीजिए, और ये भी भाई हैं साथ में। तो गाइस देख लीजिए आप सभी, हाथी पार्क अंदर खड़े हुए हैं हम, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मायावती के द्वारा बनाया गोवा एकमात्र हाथी पार्क है अभी फिलहाल नोएडा में। तो गाइस अब आपको अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं, कॉलेज मित्र से, काफ़ी दिनों बाद में मिले हैं उससे आज हम, तो उसके साथ में यहाँ घूमने के लिए आ गए हैं। तो गाइस ये रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, कॉलेज वाले मित्र से मिला हूँ, और 3-4 साल में हम मिले हैं, बहुत खुशी हो रही है। और हम दोनों अभी यहाँ पे आए हैं हाथी पार्क अम्बेडकर पार्क नोएडा सेक्टर 95 में। बहुत अच्छा है यहाँ पे, देखो बहुत बहुत दूर से बंदे आते हैं रील बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा ब्लॉग कैसा रहा, और इस जगह आप ज़रूर घूमें, बहुत अच्छी जगह है ये। थैंक यू। एक और फ्रेंड है, अभी मैं आपको उससे भी मिलाऊंगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। तो गाइस आप इनके चैनल पर भी एक बार जाके विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही सुंदर ब्लॉग देखने को मिलते हैं, तो आप ज़रूर मिले एक बार जाएँ, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। आपके लिए फ्रेंड्स इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि एक लाइक तो बनता ही है, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सपोर्ट करें, इन भाई के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा ब्लॉग कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। तो गाइस देख लीजिए आप सभी, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो बहुत पब्लिक है यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाएंगे सारा नज़ारा, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और आगे का भी हम दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स आप भी कभी नोएडा साइड में आए तो हाथी पार्क जरूर देख के जाएं, मायावती जी का बहुत ही सुंदर जगह है, आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, और फ्रेंड्स साल का आखिरी दिन है, तो आज हमने सोचा घूमने का प्लान बनाया, तो 2022 की यादें कुछ लेके जा रहे हैं हम, और इसको हम 2023 में दिखाएंगे। कितना अच्छा लगा हमें 2022 में, बहुत इन्जॉय किया, और ऐसी खुशहाली से हम 2023 मनाएंगे। आपका भी अच्छा जाए कल का दिन, और नई नई शुरुआत रहे 2023 की, अच्छी रहे, और सब एक साथ खुश रहो, सब परिवार में
फैमिली में अच्छे से नया साल की शुभकामनाएं सभी के लिए एडवांस में विद फैमिली, और अच्छे से मनाएं आप नए साल। फ्रेंड्स बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। गाइस अब आपको देखिए और पास से दिखाते हैं। हेलो, यहाँ पर आ गए हम ऊपर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो जगह यहाँ पर रील्स और वीडियो शूट होती है। इस जगह पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हूँ मैं जो गोल वाला बंदा। और फ्रेंड्स आपको और क्लोज दिखाते हैं, ये देख लीजिए ये मठ बना रखा है। और गाइस ये देखिए पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, और ये फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। ये देखिए मायावती जी के हाथी पार्क में, बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, विशाल काय हाथी की प्रतिमाएं आपके सामने देख लीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी सारे हाथी की प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई है इस पार्क में, देख लीजिए फ्रेंड्स। और काफ़ी बड़ा पार्क है आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने सारे हाथी बने हुए हैं बिल्कुल एक लाइन में। अब गाइस आपको और अंदर का सीन दिखाते हैं, और अंदर इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं जैसे अंबेडकर बाबा साहब और मायावती, काशीराम की, कई महान नेताओं की मूर्ति हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं मायावती जी की भी मूर्ति है अंदर, बहुत अच्छा सजा के बनाया है मूर्तियों को, और काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। अभी हम दिखाते हैं आपको सारा नज़ारा और लेके चलते हैं अंदर। ये देखो तो गाइस ये देखिए इतना खतरनाक बना रखा है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं शूट करने के लिए। अंदर लेके चलते हैं हम आपको, बताना हमें वीडियो में कैसा लगा है आपका विजिट। आप काम चल रहा है यहाँ पे, तोड़ फोड़ हो रही है, तो ये बन जाएगा अच्छा, और अच्छा बन जाएगा। ये काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखो गाइस देख लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, काम चल रहा है। तो आपको अंदर का सीन दिखाते हैं, अभी अंदर आ गए हम। और ये देखिए ये मायावती जी हैं, और बीच में अम्बेडकर बाबा है, और उनके बगल में काशीराम जी हैं। देखो कितने अच्छे से मूर्ति बनाई है, बहुत मेहनत की है मैंने, काफ़ी ऊंचा भी है। ऊपर का सीन भी दिखाओ, देखो कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस देख लीजिए, ये अंदर का सीन है, और यहाँ पर आप देख लीजिए इनकी प्रतिमाएं बनाई हुई है, काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। ये जो लिखा हुआ है ये मेरा दोस्त है, ये देखो शूट करा रहा है मेरे से, और बहुत अच्छा है यहाँ का डेकोरेशन। देखो देखो कितने अच्छे से बनाया है, बाबा साहब और श्री मायावती जी की मूर्ति है, और काशीराम जी की मूर्ति है, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है, और अच्छे से डेकोरेट होंगी ये मूर्ति, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेट किया है, ये देखो ये मकड़ी का जाल, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अंदर पूरा गुफा की तरह बना हुआ है अंदर, देखो। और ये देखो हम आपको लेके चलते हैं, और देखो यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देखो ये देखो, और इधर भी काशीराम जी और मायावती जी हैं, और इधर भी
देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बना रखा है, कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है और अच्छे से बनेगा, यहाँ पे डेकोरेट होगा और फिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। भीड़ तो आपने काफ़ी देखी ली होगी, यहाँ पे बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा और हम आपको दिखाते रहेंगे। ये है गौतम बुद्ध जी की मूर्ति और यहाँ दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हुए, ये देखो। और इधर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान का मसौदा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत करते हुए, ये देखो। ऊपर तक दिखा, देखो सम्मेलन दे रहे हैं। और इधर है तो दोस्तों देखो कितना अच्छा मूर्ति बना रखी है यहाँ पर, कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। बहुत बहुत दूर से यहाँ पब्लिक घूमने के लिए आती है और अभी यहाँ पे काम चल रहा है और अच्छे से डेकोरेट हुई है मूर्तियाँ। और मैं आपको सारा नज़ारा दिखाता रहूँगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ये देखो वो यहाँ पे मकड़ी का जाल है, देखो कितना अच्छे से बना रखा है। तो देखो और ये हमारे काशीराम जी हैं और ये बहन जी हैं मायावती जी और बीच में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कितना अच्छा बना रखा है मूर्तियों को और यहाँ पे अभी काम चल रहा है और अच्छे से डेकोरेट होंगी ये मूर्तियाँ। और हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें। ये देखो ये सारा दिखाया गया है, देखो 14 अक्टूबर 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें हमारे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा नज़ारा। देखो बिल्कुल गुफा की तरह बना हुआ है ये, देखो ऊपर का कितना अच्छा लग रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको सारा नज़ारा, मेरे साथ वीडियो में बने रहें, लेके चलता हूँ। और काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखो ये संघर्ष के कठिन दौर में माननीय काशीराम जी साइकिल से गांव की यात्रा करते हुए, देखो। और इधर 15 दिसंबर 2001 को लक्ष्य मेला प्रचार लखनऊ उत्तर प्रदेश में BSP की एल विशाल मेहरौली में माननीय सुश्री मायावती जी को अपना एकमात्र अधिकारी घोषित करने के बाद जन आवेदन स्वीकार करते हुए। और इधर हैं देखो BSP के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी भारत के गैर बरवारी वाली सामाजिक व्यवस्था का वर्तमान करते हुए, ये देखो साथ में बहन कुमारी मायावती जी के साथ में ये। और देखो कितनी अच्छी सी डेकोरेट किया है मूर्तियों को और ऊपर भी दिखाया गया है कुछ। BSP संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी बहन कुमारी मायावती जी मुस्लिम नेताओं के साथ में, ये देखो कितना अच्छा इन्होंने सबके साथ वातावरण किया है, अच्छे से सभी को खुश रखा है सबको, ये देखो। और मैं आपको सब दिखाता रहूँगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और चलते हैं अब आगे, दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। देखो बिल्कुल गुफा टाइप का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और दूसरी साइड लेके चलते हैं हम आपको, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। ये देखो बहुत सारी मूर्तियाँ डेकोरेट हो रखी हैं यहाँ पर, बहुत मेहनत की होगी बनाने वालों ने, देखो। और आप यहाँ ज़रूर आएँ देखने के लिए। देखो यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ये देखो। की पहली मान्य सुश्री मायावती जी अपनी मातृभाषा
तो दोस्तों अब हम आपको बाहर लेके चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत अच्छा बाहर भी बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेट किया है बहन जी ने, देखो कितना अच्छा बनाया है। यहाँ पे बहुत लोग विजिट करने आते हैं, आपने भीड़ भाड़ तो देख ही ली होगी। और हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, आप हमारे साथ वीडियो बने रहें। ओके तो फ्रेंड्स, हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ पर जगह ले जाके दिखाया हमने आपको। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आज की। हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया आज, पूरा फुल टूर करा दिया है मायावती का, हाथी पार्क का, और हमने आपको अंदर भी ले जा कर दिखाया है और सारी मूर्तियों के बारे में आपको बताया भी है जितना हमसे हो सका। हमारे फ्रेंड्स ने आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया करके बताया है, जितना जितना सब मुझको पता था मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें कुछ गलती हुई तो मेरी गलती को माफ़ कर देना, और हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आगे का नज़ारा हम दिखाते रहेंगे आपको। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही, अब हम लेके चलते हैं, काफ़ी बड़ा है यहाँ पर जगह तो ओके फैला हुआ है, यहाँ सब लोग रील्स वीडियो शूट फोटो शूट सब कपल्स फैमिली विद फैमिली सब आए हुए हैं यहाँ पर फोटो शूट हो रहे हैं। ये गाइस देख लीजिए सामने मेन हाईवे, बिल्कुल निकलते हैं मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है और बाहर टिकट काउंटर बना हुआ है मेन रोड पे। गाइस आप देखिए आप यहाँ से कितनी जगह एरिया में होके फैला हुआ है हाथी पार्क। मैं आपको सब दिखाता रहूँगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस ये देखिए जैसे जैसे धूप निकली है तो यहाँ पर आप देख लीजिए भीड़ स्टार्ट हो गई है, और आप देख सकते हैं ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से टिकट चेक होते हैं, टिकट लेने के बाद में उसके बाद में आप यहाँ प्रवेश कर सकते हैं अंदर। और आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे आपको सामने ये देखने को मिलेगा, और इसके साइड में आपको हमने दिखाई दिया है यहाँ पर रील्स और फोटोग्राफी होती है। गाइस आप सभी कमेंट में बताना आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, और आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नई साल खुशियों से भरी आए और 2022 को गुड बाय करते हैं। इसमें भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, और अब 2023 की नई शुरुआत के साथ में आगाज़ करेंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।